एयरपोर्ट की एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग इतने नखरे करते हैं ना, इन लोगों को ना तो बात करने की तमीज़ की, पैसेंजर वगैरह से कैसे बात करते हैं और अपने आप को दादा वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। छोटी मोटी गलतियों की वजह से कितना बड़ा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडियंस ने इतना गंद फैला रखा है, यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई। तो गाइस तो अभी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और आज वो दिन है जब वापस जा रहे हैं अलमाटी के लिए। तो अभी हो रहे हैं 3:30 के आसपास, तो दिल्ली पहुंचना है और फिर आप लोगों को मिलता हूं मैं दिल्ली पहुंच के। तो बाहर टैक्सी ड्राइवर आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं और सबसे पहले नारायण सिंह सर्किल पर चलना है, वहाँ से बस पकड़नी है, फिर दिल्ली के लिए निकलना है। और ये रही बाइक की चाबी, तो अभी इसको नेक्स्ट ईयर से लाएंगे, है ना, हमें तो चलते हैं। सो ये रही अपनी बाइक और अब नेक्स्ट ईयर ही अपन अपनी बाइक से मिल पाएंगे, तो बाय बाय। सो गाइस ये रही अपनी डॉग लूसी, ले ले ले। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ऑन टू पॉइंट ऐसे भी सिक्योरिटी वगैरह चेक करा करके मैं अंदर आ चुका हूँ। बट यार दिल्ली एयरपोर्ट की एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग इतने नखरे करते हैं ना, इन लोगों को ना तो बात करने की तमीज़ की, पैसेंजर वगैरह से कैसे बात करते हैं और अपने आप को दादा वगैरह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे उसको थोड़ा एम्ब्रेस फील करवाएं, मतलब समझ रहे, उसको थोड़ा नीचा दिखाएं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करने लग जाते हैं। मेरा बैग था चेकिंग बैग, जो मेरा क्या बोलते हैं उसको हैंड बैग था, हैंडबैग में परफेक्ट 10 kg वेट था, बस उसका थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा मामूली ज़्यादा, जो थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा था, उसको लेकर इन लोगों ने बवाल कर दिया, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने उस चीज़ को चेक किया, उसको दूसरे छोटे बैग में डाला और मैंने फिर 6 kg ही ले पाया, मैं 10 kg का लाभ था और कई सारी मेरी चीज़ें निकालनी पड़ी मेरे को इन लोगों के चक्कर में। बाकी मैं वेट एक्यूरेट करके ले गया था, सब कुछ ऑन द स्पॉट था, सब कुछ ठीक ठीक था। बट यार इन लोगों की इस आदत की वजह से यार बहुत बुरा एक्सपीरियंस है दिल्ली एयरपोर्ट का। ये जो स्टाफ है हर जगह बड़े गंदे लोग होते हैं, ये सीरियसली बोल रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ लॉन्च में और लॉन्च में मेरे को यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। तो अभी मेरी फ़्लाइट को अराउंड 1 घंटा बाकी है, तो अभी हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, तो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे। मैंने लिया है कर्ड विद स्प्राउट्स और चने, इधर इडली हो गई, इधर छोले हो गए, इधर कुलचे हो गए, इधर पाइनएप्पल की हो गई, इधर कुछ उपमा टाइप है, तो ऐसा था। सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और अभी चलते हैं फ्लाइट में। फ्लाई एरिस्तान मेरी जो फ्लाइट है, सब कुछ हो गया, सीट नंबर वगैरह 11A विंडो सीट है अपनी। तो भी मस्त मस्त आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यहाँ पे सीन। तो फाइनली चल रहे हैं अपन अपने दूसरे घर की तरफ। यह अपना प्लेन जिसमें ये लॉइन बना हुआ है फ्लाई एरिस्तान का, तो चलते हैं फटाफट और सीट पर बैठते हैं। और यहाँ पर खड़ा है एयरस्ताना, चलते हैं फटाफट लेट्स गो। अभी मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे बस स्टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने बस ली है शिमकेंट से अलमाटी और मेरी बस चलेगी अभी होने वाले 5 बजने में, 10 मिनट बच रहे हैं, तो 8 बजे से यहाँ से सारी बसें चलेगी। और ये वाली मेरी बस है जिसमें मैं अलमाटी जाऊँगा एंड स्लीपर कोच है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे क्या कि थोड़ा ठगी वगी का सिस्टम भी होता है फ्रॉड वगैरह का, तो थोड़ा बच के रहे, तो थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, बात बात की थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है,
तो इस भाई ने 8,000 टेंगे में मेरे को और मेरे साथ दो सीनियर हो रहे, तो हम तीनों को 24,000 टेंगे में अलमाटी ले जाएगा। बाकी जितने अदर थे वो 15,000 टेंगे मांग रहे थे, लेकिन मैंने नेगोशिएट वगैरह करके 8,000 टेंगे में पहुँच जाएंगे। अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ, तो चलिए। सो गाइस अभी रात के 11 हो चुके हैं और पीछे हमारी बस आप लोगों को दिख रही होगी। तो अभी हम हैं दराज, उज्बेकिस्तान का हाईवे है, यहाँ से जो बॉर्डर लगती है उज्बेकिस्तान की कजाकिस्तान से, तो उस हाईवे पे हैं। और अभी बीच में ब्रेक के लिए रुकी है, तो कुछ टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो देखिए, हम लोग शिमकेंट से ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं वहाँ से। एक और आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि बस अभी ये समझ लो अगस्त ख़त्म ही होने वाला है, और आप लोगों को बता दूँ कि बहुत तेज़ यहाँ पे भी सर्दी फील हो रही है हम लोगों को भी। हाईवे 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो रहा है, बाकी माहौल बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कर रखा है। हाईवे है सामने जो कि अलमाटी लेके जाएगा, और ये हमारी एसी कोच बस है और ये स्लीपर है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बना रखी है, मतलब सोने वाली व्यवस्था है, तो एकदम बढ़िया नींद भी लग जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, समय भी यूँ ही कट जाएगा। तो चलते हैं, बस स्टार्ट हो गई, तो चलते। A few hours late. और बढ़िया तरीके से जर्नी रही, और अभी अलमाटी पहुंच चुके हैं। और अलमाटी में पहुंचते ही एक बढ़िया सी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूं। सुबह सुबह ही इस चीज़ के दर्शन हो गए जी वैगन, जो कि यहाँ पे बड़ी आम बात है, वैगनर है यहाँ की है, क्यों भैया? बिल्कुल, यहाँ की तो वैगनर है। देर के लिए मैं यहाँ पे भैया के फ्लैट पे रुका हुआ हूँ, थोड़ा अभी बैंक वगैरह जा रहे हैं, थोड़ा मनी वगैरह निकालते हैं और बैंक में यहाँ पे रिफ़िल करते हैं, फिर उसके बाद आगे के काम प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर जाएंगे हॉस्टल, फिर देखते हैं कि रहना कहाँ पे, क्योंकि इस बार शायद हॉस्टल में भी रहे या ना रहे। गाइस अभी पैसे निकाल लिए हैं बैंक से और करेंसी आ चुकी है हमारे हाथ में यहाँ की, तो अभी इसको रिफ़िल कराएंगे हमारे लोकल अकाउंट में और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। गाइस प्रॉपरली तरीके से पहुँच चुका हूँ अभी, और सुबह में सो गया था, बड़ा थक गया, हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो अभी उठा हूँ और कुछ खाना वाना खाया। और ये जो मेरा पीछे वाला आप लोगों को हॉस्टल दिख रहा है, ये है शाका बुद्धिनोवा का 140 वाला हॉस्टल, हॉस्टल 6 बोलते हैं इस वाले को, और इसको बोलते हैं हॉस्टल 7 जो पीछे है। इसमें हम 4th फ्लोर पर रहते थे लास्ट ईयर, बट अभी आप लोगों को एक न्यू अपडेट दे देना चाहता हूँ कि ये हॉस्टल जा रहा है लोकल स्टूडेंट्स के पास। खबर ये आ रही है कि भाई लोकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और क्या है कि यार ये चीज़ें और सुनने को आ रही है कि बच्चे साफ सफाई से नहीं रहते भाई, इंडियंस ने इतना गंद फैला रखा है यहाँ पर आकर के, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई, तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है और थोड़ी सोर्स से पता लगा है कि भाई इंडियंस को हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो ये हॉस्टल तो भाई जा रहा है अभी इंडियंस के हाथ से, और हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। देख लो, कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से कितना बड़ा पे करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ यार, विदेश में आ रहे हो तो थोड़ा ढंग से रहो आप लोग, एटलीस्ट तरीके से रहो, और यहाँ के लोग बड़ा नोटिस करते हैं सारी चीज़। तो ये हॉस्टल तो गया, और आई थिंक इस वाले हॉस्टल में जो पीछे हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 7, यहाँ पे 2 फ्लोर्स पर शायद बच्चे रहेंगे जहाँ तक सुनने में आ रहा है, बाकी के अपडेट मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। तो अभी पहुंच चुके हैं प्रॉपरली तरीके से, तो अभी हम कुछ दिनों के लिए यहीं पे हैं, 4-5 दिनों के लिए, तब तक हॉस्टल वगैरह देखेंगे, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मैं रहने की कोशिश करूंगा और कहाँ कहाँ पे कुछ अवेलेबल है, तो देखते रहिएगा मेरे साथ।